वेलकम बैक दोस्तों। तो हमारा 13 वीडियो है हमारी सीरीज सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के ऊपर, और आज हम बहुत सारे प्रोग्राम बनाने वाले हैं सिंगल वीडियो में। कैसे, आइए जानते हैं। यहाँ पे एक बेसिक सा स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया, और सबसे पहले हमको फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमें लेना है एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल हमारा होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके के जितने भी मैथमेटिकल फॉर्मूलेज हैं, अगर उनको आपने कैलकुलेट करने के लिए प्रोग्राम लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे इसको? जस्ट आपने ना इमेजिन करना है अपने बॉक्सेस के थ्रू, प्रोग्रामिंग स्क्रीन के थ्रू। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले इसमें हमको ये देखना है, सीधे प्रोग्रामिंग लिखते नहीं है कभी भी। कभी भी अगर आपने एक अच्छा प्रोग्रामर बनना है तो आप सीधा अपना जो कंपाइलर है उसको ओपन करके अगर टाइपिंग करना शुरू कर देंगे तो आपको लॉजिक कभी भी क्लियर नहीं होंगे। आपको क्या करना है, एक रफ पेज लीजिए, उसमें पहले उसका लॉजिक लिखिए कि इसमें लॉजिक आपका क्या लगने वाला है। तो देखिए, पहले यहाँ पे समझते हैं यहाँ पे कितने वेरिएबल लगेंगे और किस टाइप के वेरिएबल लगेंगे। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले है आपका पाई। पाई की वैल्यू हमें पता है, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 या 3.14। तो ये वैल्यू किस टाइप की है, ये है फ्लोट टाइप की वैल्यू। रेडियस, रेडियस जब मैं निकालूंगा तो रेडियस, या अगर मैं इनपुट यूजर इनपुट लेता हूं तो वो पॉइंट में भी इंटर कर सकता है, तो ये भी हम क्या ले लेते हैं आपका फ्लोट में। इसका जो आंसर आएगा वो किसमें आएगा, वो भी आएगा आपका फ्लोट में। तो यहां पे को आपने सबसे पहले जो डेटा टाइप डिक्लेयर करना है वो किस टाइप का करना पड़ेगा, फ्लोट टाइप का। अब देखिए, पाई की वैल्यू ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने पीआई नाम से एक वेरिएबल ले लिया पाई, इसमें हमने वैल्यू इंटर कर दी 3.14। और मुझे क्या चाहिए, आर, रेडियस के लिए मैंने आर ले लिया, और एरिया कैलकुलेट करने के लिए मैंने ले लिया ए, स्मॉल ए ले लिया फॉर एग्जाम्पल। तो अब मैं यहां पर अगर चाहूं तो मैं इसको यूजर से जो रेडियस है वो रीड करवा सकता हूं। मैंने लिख दिया इंटर द रेडियस, इंटर द रेडियस। तो सिन जो ऑब्जेक्ट है उससे मैंने आर को रीड करा दिया। अब सिंपली मुझे क्या करना है, एरिया में इसको रखना है। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे आपका बॉक्सेस मिले, मुझे मिला पाई, पाई में आपकी वैल्यू मैंने डाल दी थी 3.14, मुझे मिला आर, और एक है मेरा ए। तो यहां पे R में तो यूजर से इनपुट आने वाला है, तो फॉर एग्जाम्पल यूजर यहां पे डाल देता है फॉर एग्जाम्पल 2, ठीक है, उसने रेडियस डाल दी, या 2.2 डाल दी, कुछ भी डाल सकता है वो। तो उसने 2 वैल्यू डाल दी। अब मुझे कैलकुलेट करना है, तो एरिया इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, तो पाई इसमें जो वैल्यू है वो आ जाएगी 3.14, स्टार का सिंबल, आर का स्क्वायर, तो आर इंटू आर कितना हो गया, आर स्क्वायर। तो ये दोनों वैल्यू आपकी कैलकुलेट करेगा आपका सीपीयू या कंपाइलर, उसको डाल देगा जो भी आपका आंसर होगा इसके अंदर, ठीक है। तो 3.14 इंटू 2 समथिंग, ये 6 समथिंग आएगा। तो इसको सी आउट में सीधा लिख देते हैं और आंसर आ गया एरिया इज कितना, ए। एरिया का जो आंसर हमारा स्टोर हो रहा है किसमें हो रहा है, ए नाम के वेरिएबल में। या आप इसको, और क्या तरीका है इसको लिखने का, एक तरीका तो ये है ए, या अगर आप ये नहीं भी लेते दो वेरिएबल से, मैंने क्या कहा था आपकी एल्गोरिथम कौन सी अच्छी होती है, पिछले वीडियो में बताया गया था, जिसमें आपके कम वेरिएबल लगे। तो यहाँ पे अगर आप ए नहीं भी लेते तो चल जाता, आपको ये ए यहाँ पे नहीं करना, और आपका एक ही लाइन में इस स्टेटमेंट की भी जरूरत नहीं होती। यहीं पर आप क्या कर देते, आपका पाई इंटू आर, तो दो वेरिएबल से भी हो जाएगा। तो आपको क्या समझना है, आपको बेसिकली इसके पीछे का लॉजिक समझना है। अगर आप लॉजिक समझ जाते हैं तो आपका प्रोग्राम यहाँ पे बड़ी ही आसानी से हो जाएगा। तो इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे कैलकुलेट करनी है एक स्कूल में, मैं एक सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, मार्कशीट और परसेंटेज मैंने निकालनी है। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे, मान लीजिए मैंने स्टूडेंट्स हैं उनकी मैंने टोटल मार्क्स और परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। तो मार्क्स फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया उनके 3 सब्जेक्ट्स हैं, तो सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स मिलेंगे वो पॉइंट में भी मिलते हैं, पर मैं अभी आप पे मान लेते हैं कि वो आपके फिक्स हैं, मतलब आपकी होल नंबर में मिल रहे हैं, उनको इंटीजर में मिल रहे हैं। तो इसके लिए मैं क्या लूँगा, इंटीजर, कितने सब्जेक्ट हैं, 3, तो कितने इंटीजर, 3। तीनों को जब एडअप करूँगा तो आंसर क्या आएगा, 3 इंटीजर को जोड़ के इंटीजर ही आएगा, तो टोटल भी आपका इंटीजर। और आपकी जो यहाँ पे परसेंटेज आएगी वो, अब जब मैं इसको परसेंटेज कैलकुलेट करूंगा तो परसेंट में भी आ सकती है या पॉइंट में भी आ सकती है, तो उसके लिए फ्लोट। अब मान लीजिए यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मैंने कहा मुझे 3 वेरिएबल स्पेस दे दी, कंपाइलर से मैंने कहा 3 मुझे स्पेस दे दीजिए 2-2 बाइट के, जिसमें कि मैं इंटीजर वैल्यू रख सकूँ,
और साथ ही में मुझे आप दे दीजिए टोटल के लिए और मुझे आप दे दीजिए एक परसेंटेज के लिए भी। अब आप इसको रीड कराइए तो रीड आप करा सकते हैं सीन में डायरेक्टली, ए बी एंड सी तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स हो गए। यहाँ पे हो गया टोटल ए प्लस बी प्लस सी, टोटल आ गया। टोटल आने के बाद तो तीन वेरिएबल हैं यहाँ पे, सिंपली ऐसे समझिए ए बी सी, तीन वेरिएबल ए बी सी, तीनों में जो मार्क्स हैं वो मिले हैं, चलिए ज़्यादा दे देते हैं 30, 40 एंड 40, बहुत है इतने। तो टोटल में मेरा आ गया 40 एंड 40 80 80 एंड 30 110, तो 110 मेरा जो आंसर आया है ये किसके अंदर आएगा, ये आएगा आपका टी के अंदर, टोटल के अंदर। तो मेरे को टोटल भी मिल गया। परसेंटेज का फॉर्मूला होता है मार्क्स, मार्क्स किस में है, टोटल मल्टीप्लाई बाय 100 मार्क्स इनटू 100 अपॉन टोटल मार्क्स, इसको पेरेंथेसिस के अंदर, डिवाइडेड बाय आपका कितना जाएगा टोटल मार्क्स कितना है 300 का, थ्री सब्जेक्ट है, 100 का अगर हम लेते हैं एक सब्जेक्ट तो 300 हो गया। सी आउट में आप लिख दीजिए क्या, टोटल इज टी, टी मार्क का टोटल है एंड परसेंटेज इज, परसेंटेज कितनी है आपका पी के अंदर है। इसके बाद गेट सीएस, तो आपके आउटपुट स्क्रीन पे क्या आएगा, डायरेक्टली क्लियर स्क्रीन, ब्लिंक करता हुआ कर्सर जिसमें ए की वैल्यू डाली इंटर, बी की वैल्यू इंटर, सी की वैल्यू इंटर, कैलकुलेशन हुआ और अपने आप वहाँ पे परसेंटेज आपकी फ्लैश हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर आप लॉजिक समझे पहले ही, इसको आप अगर प्रोग्रामिंग करने लग जाएंगे नहीं आएगा। तो करना क्या है, एक रफ पेज लीजिए, उसमें आप कीजिए या नोटपैड ओपन कीजिए, उसमें देखिए कौन कौन से वेरिएबल लगने हैं, क्या ये दो वेरिएबल से हो सकता है, या जहाँ पे तीन वेरिएबल लग रहे हैं चार वेरिएबल लग रहे हैं, क्या वहाँ पे दो ही वेरिएबल से काम हो सकता है। तो इससे प्रोग्रामिंग अच्छी भी होगी और आप इसमें एक्सपर्ट भी बनेंगे। तो ये थी हमारी 13th वीडियो। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्लोबल वेरिएबल के बारे में। जी अभी हम क्या कर रहे हैं, लोकल में वेरिएबल ले रहे हैं। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं, उनको एक्सेस क्या कर कैसे करते हैं, तो वो हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में, जो कि हमारी होगी वीडियो नंबर 14। तो इससे पहले हमारी 12 वीडियोज़ और बन चुकी हैं, और अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा पहले उन वीडियोज़ को देख लीजिए, आपका बेस भी क्लियर हो गया।